कैसे हैं आप सब मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ ए झटपट से नाश्ता और नाश्ता क्या बोलूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज मेरा मूर था कुछ और बनाने का लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों को खाने थे कटलेट तो कटलेट के लिए सबसे पहले हम आलू इतने गंदे आ रहे हैं ना इस समय वॉश करो और वॉश ना अच्छे से करना पड़ता है अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो आलू में मट्टी रह जाती है और वो फिर आपको आगे दिक्कत करेगी टेस्ट मतलब सब खराब हो जाएगा तो मैं अच्छे से आलू को वॉश करके और उसके बाद आलू को प्रेशर कुकर में डाल के बॉइल्ड करने रखा देती हूँ जहाँ वो बॉयल होंगे उसके आगे हम देखते हैं क्या क्या करते हैं और साथ में मुझे बनानी है चटनी हरी धनिया वाली बट एक प्रॉब्लम है हरी धनिया की चटनी ना बना के मैं बनाने वाली हूँ मोमो वाली चटनी वो बहुत टेस्टी लगने वाली है इसके साथ और जो राइस फ्लोर होता है ना उसको बस आपको डो बस आप लगा लीजिए उसके बाद आपका काम बहुत ईजी हो जाता है तो डो लगाने के लिए आपको आलू चाहिए और आपको अगर ब्रेड आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो वैसे मैं ब्रेड स्किप करती हूँ और राइस फ्लोर रहता है मेरा आलू रहेगा और उसके बाद आप जो भी ऑप्शनल है आपके पास अगर गाजर है गाजर मिक्स करना है आप डाल दीजिए बच्चों के लिए मटर है इस समय ग्रीन मटर बहुत अच्छी आ रही है तो आप वो भी डाल सकते हैं और बस ये सब डालकर आप बना देंगे झटपट से बहुत बढ़िया वाला नाश्ता जिसको खाने के बाद आपके बच्चे इतनी जल्दी उसको फिनिश करने वाले ना आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बाबू ये खा लो प्लीज़ खा लो क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना मूड होता है और बच्चों को कटलेट्स बहुत पसंद है तो आज चलिए भाई कटलेट बनाते हैं बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है तो देखिए मैंने आलू वॉश कर लिए वॉश करने के बाद अब मैंने प्रेशर कुकर में डाल भी दिए और सबसे मेन ना इसका जो अब चलते हैं मेन काम लिए आपको वन बाउल लेना है राइस फ्लोर एंड टू बाउल लेना है वाटर वाटर आप ठंडा भी ले सकते हो क्योंकि आपको ना वाटर को अभी वॉइल्ड भी करना है अच्छे से जब वो वॉइल्ड हो जाएगा उसके बाद आप उसमें मिक्स कर सकते हैं अभी देखिए मैं ऑन करके रख देती हूँ अपना पैन रख देती हूँ पैन रखने के बाद मैं उसमें डालने वाली हूँ आप देखिए पहले तो मैंने थोड़ा सा ना इसमें सॉटे किया हुआ था मखाने तो आप ये मत समझे ना कि गंदी है गंदी नहीं है इसमें जब सॉटे करा तो मैंने कहला इसी में मैं डालने के बाद आप इसको आ, पहले तो आप पानी ऑयल कर लीजिए अब आप जब आपका पानी बहुत अच्छे से ऑइल हो जाए ना उसके बाद ही आपको मतलब बहुत अच्छे से ऑयल हो जाए थोड़ा सा ये लगने लगे कि हाँ अब भाई हो गया है गर्म आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसके बाद जैसे आप सूजी का हलवा बनाते हो ना आपको सेम प्रोसेस करना है बस उसमें क्या पानी बाद में डलता है और फ्लोर पहले डलता है तो इसमें क्या आपको फ्लोर पहले डाल बाद में डालना है और पानी पहले डालना है तो बस आपको पानी में डाल देना है सॉल्ट सॉल्ट डालने के बाद उसको बॉइल्ड होने दीजिए बॉइल्ड हो जब तक वो बॉइल्ड होता है तो चलो भाई हम दूसरे नेक्स्ट काम भी कर लेते हैं क्योंकि करना तो हम ही है कोई और तो आगे करेगा नहीं बच्चों को नाश्ता चाहिए तो उसके लिए रेडी तो करना पड़ेगा ना तो आ गए हैं हम भैया चटनी बनाने चटनी के लिए देखिए मेरे पास क्या क्या मटेरियल है और हरा धनिया था भी नहीं तो मैंने वो स्किप भी कर दिया मैंने सोचा लो भाई मोमो वाली चटनी बना ली जाए तो मोमो वाली चटनी के लिए आपको चाहिए होता है टमाटर और थोड़ा सा धनिया और लहसन ये सब आपको चाहिए होता है वो मैंने आपको शो ऑफ कर दिया है उसके बाद देखो मैं चटनी कितनी बड़ी टेस्टी टेस्टी वाली बनी थी बहुत अच्छी बनी थी और ये देखिए बस आपको ना चटनी को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है मिक्सर आपको उतना चलाना है जैसे आप कि मतलब थोड़ा सा थिक रहे बहुत ज़्यादा थि ना हो जाए और ये देखिए मेरा पानी वॉयल हो गया है पानी बॉयल होने के बाद मैंने इसमें डाल देना है राइस फ्लोर राइस फ्लोर डालने का एक तरीका है एक प्रोसेस है आपको ऐसे नहीं डालना है आपको एक हाथ से राइस फ्लोर डालना है एक हाथ से आपको स्पैचुला की हेल्प लेनी है और चलाते रहना है रुकना नहीं है नहीं तो उसमें ना लम्ब पड़ जाएंगे और वो लम्ब फिर बहुत दिक्कत करते हैं वो नहीं हो पाता है अच्छे से फिर तो अब बस मैं फटाफट चलाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल था तो मैंने जल्दी जल्दी से मोबाइल को भी हैंडल किया और फिर अपना राइस फ्लोर चलाती जा रही और ये देखिएगा एक भी लम्स नहीं आने वाला है इतना अच्छा लग रहा था ना बढ़िया सा बन गया था और मुझे लगता है कि पानी अच्छे से बॉयल भी हो गया था शायद इस वजह से भी उसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं आया और ये देख लीजिए हो गया है अब इसको आप अच्छे से इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है मतलब अच्छे से कुक करना है कुक होने के बाद आप इसको छोड़ देंगे ठंडा होने जी अब आप ये मत सोचना ठंडा होना है तो भैया लो जी फ्रिज में रख दे फ्रिज की आजकल ज़रूरत भी नहीं है इतना विंटर सीजन है ना और जो ठंडा इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते तो बस आपको रख देना है वो ईज़िली ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद जब तक आप अपने और भी काम फिनिश कर लीजिए तो मैंने इसमें निकाल के इसको ठंडा होने रख दिया है अब ये अपना काम करेगा मैं अपना काम करती हूँ तो मैं चलती हूँ भाई आगे की तरफ अब मुझे मेरी चटनी भी बन गई है ये भी ठंडा हो गया अब बारी आती है मटर या फिर गाजर जो भी आपको इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर लीजिए और जो एक्सक्लूड करने का मन हो वो कर भी देना लेकिन बस कुछ जो मेन मेन बेसिक चीज़ें ना वो एक्सक्लूड मत करिएगा उससे फिर टेस्ट में ना डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो आप कहोगे कि अरे शिता हमने तो बनाया था बना नहीं हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है बनेगा सबका अच्छा और चलिए भाई अब मैं मेरे पास मटर थी तो मैंने कहा मैं मेरे को मेरे बच्चों को ना मटर बहुत पसंद है तो मुझे लगा कि चलो भैया मटर भी बॉईल करके डाल दी जाए वैसे मैं नहीं डालती हूँ लेकिन आप डाल सकते हो टमाटर प्लीज़ मत डालना टमाटर थोड़ा सा ना वो फिर सही नहीं होगा उसका डो लग नहीं पाएगा अच्छे से तो मटर भी मेरी यहाँ बॉइल्ड हो गई है मटर को मैं स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ स्ट्रेनर से पानी वानी हट जाएगा उसके बाद मैं अब यहाँ पे पहले मैं आलू भी बॉइल्ड हो चुके हैं मटर बॉयल्ड नहीं हुई है इसका मतलब ये है तो आलू बोइल्ड हो गए आलू को स्ट्रेनर में निकालते हैं उसको ठंडा करते हैं उसको फिर उसको अच्छे से छील विल के उसे क्लीन अप करके फिर रख देती हूँ रखने के बाद जब तक आलू भी ठंडे होंगे उधर राइस फ्लोर भी ठंडा होगा तो दोनों चीज़ें ठंडी होने में टाइम लगाएंगे तब तक हम मटर को देख लेते हैं मटर को देखते हैं उसके बाद मटर भी कुक हो जाए तो बस फिर तीनों को आपको डो बनाना है डो बनाने के लिए प्रोसेस होगा लेकिन एक काम करिएगा आप ग्रेट कर लीजिए ग्रेट करने के बाद ना उसका जो अच्छे से मैश करने में इजी हो जाता है और अगर आप वैसे कट करते हो नाइफ़ की हेल्प से तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है तो प्लीज़ ऐसे ग्रेट करने के बाद ही मिक्सअप करना है डो में नहीं तो फिर ना वो फिर अलग अलग से रहता है तो फिर क्या है ना जब आप कटलेट्स मतलब ऑयल में उसको कुक करते हो तो वो कभी कभी ना फट जाता है तो फिर फटने के बाद वो आलू की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बस आपको ये करना है और इधर हमारी मटर भी बॉइल्ड हो चुकी है चलिए भाई मस्टर्ड ऑयल डालते हैं आजकल तो क्या है ना जैसे सर्दी सर्दी बढ़ रही है तो मस्टर्ड ऑयल इतना अच्छा लग रहा है और मस्टर्ड ऑयल का एक मेन पॉइंट ये भी है इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा गर्म होता है तो जब गर्म नेचर के लिए आपको रहना है तो भाई आप मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई ऑयल मत यूज़ करिएगा अभी इस टाइम वही करिए तो बस ये देखिए मटर भी बॉइल्ड हो गई है स्टीनर में निकाल भी दिया मैंने पानी वानी इसका और बस इसमें मैंने डाल दिया है तो अब आगे चलते हैं अब क्या होने वाला है अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और इसके बाद मेरे आलू भी आ गए हैं आलू भी ठंडे हो गए हैं तो बस आलू ठंडे हुए आलू को भी डाल देना है डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इसके ऊपर आपको पहले मसाला सारा डालना जो भी आपको स्पाइसी खाना है वैसे तो देखो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम स्पाइसी होना चाहिए और अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो भी कम ही स्पाइसी रखना क्योंकि ना मेन होता है इसके साथ जो आपने चटनी में इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं ना उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए आप जब बनाना तो मोमो वाली चटनी ही बनाना इसके साथ तो भाई इस्पाई आ गए स्पाइसीज़ बॉक्स मैंने खोला है तो इसमें आ गए मेरा सॉल्ट आ गया सबसे पहले फिर उसके बाद मेरा ये आया है गरम मसाला उसके बाद आएगा धनिया पाउडर और पता है वो जो मैगी मसाला आता है ना मैजिक वाला सब्जी मसाला वो भी आप डाल सकते हो वैसे मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा डाल दिया था और ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि ना उसमें जो होता है ना गरम मसाला और खड़े मसाले बहुत अच्छे से होते हैं तो बच्चों को थोड़ा स्पाइसी लग सकता है इसलिए मैंने हल्का डाला है और प्लीज़ मेक श्योर कि आप हींग जरूर डालिएगा क्योंकि सर्दी है बच्चे खाएंगे मटर जो होता है ना वो थोड़ा सा हैवी लुक देता है और पेट के लिए और बच्चों के लिए तो आप जानते हो अगर नाश्ता चाहे आप दिन में बनाओ चाहे रात में बनाओ लेकिन थोड़ा सा ठीक होना चाहिए तो आप जो हींग वाला आइटम है जरूर इंक्लूड कर देना क्योंकि उससे बच्चों को बहुत आराम मिलेगा पेट वेट दर्द नहीं करेगा उनका क्योंकि चावल का जो फ्लोर होता है थोड़ा सा वो भी हैवी होता है मटर भी हमारे पास हैवी है और आलू तो ऑलरेडी ही हैवी होता है आप जानते हो लेकिन सर्दी में सब डाइजेस्ट हो जाता है बट आपको क्या टेंशन लेना है यार डाल देना मस्त टेस्ट आएगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और जब बना लेना ना तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम रेसिपी शेयर करी है और अच्छा लगे तो प्लीज़ बता भी देना भाई कि हाँ अच्छा लगा था भाई शिता हमें अच्छा लगा था हमने बनाया था बनाने के बाद और टेस्ट करने के बाद बताना ठीक है और बस चलिए मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ पर गरम होने रख दिया है तो मस्टर्ड ऑयल गरम होता है पैन में उसके बाद मैं डालने वाली हूँ उसमें कटलेट कटलेट को आपको शेप देना है चाहे आप रेक्टेंगुलर दें चाहे सर्कल दे चाहे आप मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं ठीक है आपको आपके अकॉर्डिंग है ये जैसे भी शेप देना है बस डालना है फ्राई करना है और बस फ्राई करके लेकिन फ्राई करने में एक चीज़ ध्यान रखना है जो आपको गैस का फ्लेम को ना आप थोड़ा सा स्लो रखेंगे जब आप डाल रहे होंगे डालने के बाद जब आपको उसको मतलब पलटना होता है ना जब मतलब एक साइड से सेक हो जाता है सेक करने के बाद जब सेकंड साइड से आपको फ्राई करोगे तो थोड़ा सा तेज कर देना लेकिन फर्स्ट टाइम डालते टाइम आपको फ़्लेम को थोड़ा सा लो रखिएगा लो रखने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं भाई हर कोई जब कुक करता है तो अपने अकॉर्डिंग ही करता है ज़रूरी नहीं मेरे बताने के अकॉर्डिंग करेगा तो आप अपने बनाना और बनाने के बाद ये देखिए यमी यमी लग रहा है और पता है थोड़ा थोड़ा स्लो रखेंगे ना तो सही रहेगा स्लो जैसे आपने देखा होगा टिक गप्पे टिक्की वाले कैसे बनाते हैं टिक्की वाले कितने मजे से टिक्की डालते हैं ना वन वन करके और हल्का हल्का उसको सेक करते हैं बहुत जल्दी नहीं कि टिक्की जल जाए ऐसे ही आपको इसको भी बस वो करना है ट्राई करना है इस, इसको आप ऐसे ट्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा और बनाने के बाद प्लीज़ मुझे बता देना ठीक है बता देना और जो भी कमेंट हो कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो वो भी कर लेना शेयर करना हो तो कर देना कोई दिक्कत नहीं है हमें क्या भैया हमारे तो व्यूज़ बढ़ेंगे लेकिन आप सबका प्यार आपका मिले मिलता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा मुझे लगेगा हाँ तो पता क्या होता है जब आप सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन वाला फीलिंग आता है कि हाँ भाई हमें कुछ करना चाहिए अपने व्यूवर्स के लिए सब्सक्राइबर के लिए भाई वो लोग हमें देख रहे हैं तो हमें कुछ नयू रेसिपी लेकर आनी चाहिए और अगर आपको कोई रेसिपी देखनी हो मेरी या कोई आपको डिश देखनी हो स्वीट डिश देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और बस ये देखिए भाई मेरे यमी यमी वाले कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं और बस अब हम इन्हें खाने वाले हैं और आप सबको मैं यहीं से लाने वाली हूँ अभी मैं आपको प्लेट लगा के देती हूँ और जिसको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और आइए चलिए भाई हम नेक्स्ट टाइम चलते हैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको और कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली है, वो अब आपको अगले ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी तो आइए आप सबको भी मैं इन्वाइट कर रही हूँ आ जाइए भाई जल्दी जल्दी और ये देखिए कितने व्यारे प्यारे कलर देखो इनका कितना प्यारा सा कलर आ रहा है ना रेड रेड सा और बस आपको केचप डालनी है चाहे ग्रीन डालो चाहे टमाटो डालो और चलिए भाई बच्चों को खिलाते हैं रेड वाली केचप से क्योंकि उनकी तो फेवरेट है और ये जो आप देख रहे हैं ना इतनी प्यारी सी थाली में किसके लिए लगा रही है मिस्टर इंडिया के लिए क्योंकि मिस्टर इंडिया के आने का टाइम हो गया है तो इवनिंग की स्नैक्स में मैं स्टार्टर के लिए यही देने वाली हूँ अब देखते हैं उनको कैसा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है वैसे आप लोगों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाना भाई और भाई आगे के लिए अलविदा दोस्तों और अपना ध्यान रखिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए पूरी फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखिए